नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, गंगेश्वर जहर मुक्त खेती यूट्यूब चैनल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब एक सीज़न चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अपन जो फसल बोते हैं ना, उसमें लगभग कई तरह की समस्या रहती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे दो तीन तरह की समस्या रहती है, जिसमें एक तो फसलों के लिए खाद हो गया और दूसरे जड़ों से लगने वाली बीमारी, तीसरा ऊपर से छिड़काव वाला खाद हो गया, चौथा है ऊपर से लगने वाले फंगस, और पांचवी चीज़ मोटे मोटे तौर पे है जो कीट लगते हैं फसलों में, जो रोग आते हैं। वो चार पांच तरह की मोटी मोटी समस्या है, बाकी छोटी मोटी समस्या तो रहती है और चलते रहता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो मोटे मोटे आवश्यकता है किसान के लिए, वो पांच आवश्यकता मोटे तौर पे है, और छठा तो पानी है, पानी के बिना तो फसल हो ही नहीं सकती है। तो आइए दोस्तों, आज एक कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है अपने, जिसको हम लोग उसकी शायद गुणवत्ता समझते नहीं हैं, उसके महत्व को जानते नहीं हैं, इसलिए उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज कीटनाशक के लिए, और अभी का समय ऐसा है कि जो नीम का पौधा है उसमें अभी फल आके पक रहे हैं, और जो इसकी निम्बोली होती है ना, उसका फल होता है ना, वो बहुत ही किसानों के लिए एक तरह से कहते हैं वरदान है, बहुत ही फायदेमंद है। तो उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जो नीम की निम्बोली है ना, उसके अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कीटनाशक में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो अपने ही भाई लोगों से या कह दो मजदूर लोगों से इस नीम को निम्बोली को इकट्ठी करवाती है, और उसके अंदर एक रासायनिक प्रोसेस करके जिसके अंदर तत्व पदार्थ पाया जाता है, उसको बाहर निकाल के कीटनाशक में काम लेती है। और यदि यही चीज़ हम करें कि अपना नीम का पौधा है, उसकी निम्बोली, उसका फल लेकर उसी चीज़ का प्रोसेस हम अपने घर पर करें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपन कीट का रोकथाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी निम्बोली पक रही ना, उसको लेकर पहले उसका छिलका उतार दीजिए, और छिलका उतारने के बाद में जो बीज बचता है ना, उसको सूखा के उसकी अच्छी तरह से पिसाई कर दीजिए। पिसाई करने के बाद में दोस्तों क्या होता है, एकदम महीन बारीक पाउडर टाइप बन जाएगा ना। फिर उसको जितना अपना उसका मतलब डूब जाए अंदर, इतना वेस्ट डिकम्पोज अपने को डालना है, ठीक है। और उसको लगभग लगभग 21 या 25 दिन के लिए पड़े रहने देना है। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो वेस्ट डिकम्पोजर की एक तासीर है, मतलब एक ऐसा उसका स्वभाव है कि वो जो चीज़ के अंदर होती ना वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर, तो वो उसके सारे तत्वों को बाहर कर लेता है। तो दोस्तों, जो निम्बोली के अंदर उसके बीज के अंदर जो तत्व होगा ना, तो उसको वेस्ट डिकम्पोजर अपने अंदर सोख लगा या बाहर उस निम्बोली के बीज से बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों, उसको 21 दिन के बाद छान के रख लीजिए, और सबसे बड़ी बात यह, 6 महीने साल भर ख़राब भी नहीं होगा, उसको खुला मत छोड़िएगा। तो उसको फिर जब अपन को खेत में यूज़ करना हो, इस्तेमाल करना हो, उस समय अपन स्प्रे कर दोगे। दोस्तों देखिए, मेरे पीछे सब नीम के पौधे ही हैं, ये अपने खुद के यहाँ पे हैं, आइए मैं आपको पास से बताता हूँ।
तो उसको अपने स्प्रे करके कीटनाशक के रूप में अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों नीम के पौधे हैं और ये फल लग रहे हैं इसके, और मैं खुद इसका इस्तेमाल साल भर से कर ही रहा हूँ और बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। कीटनाशक और भिंडी में जो मच्छर लगते हैं छोटे छोटे, उसमें बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। मतलब इसके स्प्रे के बाद में भिंडी के अंदर ऐसा कोई भी कीट नहीं दिखा मुझे। एक बार नहीं, कई बार स्प्रे किया मैंने इसका, तो उसमें बहुत ही कारगर साबित हुआ है। क्यों, इसमें जो मच्छर कीट होते हैं ना, वो बड़े रूप में होते और अपने को दिखते हैं, और इसके स्प्रे के दो दिन बाद में एक भी मच्छर, इस भी कीट वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे। भिंडी में बहुत तगड़ा इसका रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप भी अपने घर पर ये सब प्रक्रिया करके एक अच्छा खासा कीटनाशक बना सकते हैं और अपने जो एक्स्ट्रा लगने वाला खर्चा है कीटनाशक के नाम से, उसको बचा सकते हैं। और बहुत शानदार रिजल्ट है, मैं एक साल भर से कर रहा हूँ और अभी भी बस जैसे फल आ गए ना, तो मैं इनको बिना ही करने शुरू कर दूँगा। तो अभी भी मेरे पास में गए साल का 2-5 किलो मटेरियल पड़ा हुआ है, और 2-4 साल बाद में मैं इसका जो खाद बनाऊँगा, अपने सॉरी कीटनाशक बनाऊँगा ना, उस समय आपको वीडियो के द्वारा जानकारी दूँगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार यूँ ही बना रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्ते दोस्तों।